आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां राजेश गोयल ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करे राज्य व केंद्र सरकार। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया कि आदिवासी अधिकारी एकता मंच राजस्थान द्वारा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए मांग की गई है, जिसमें कई प्रमुख समस्याएं सरकारी सेवा में भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण को संविधान 9वीं अनुसूची के तहत केंद्रीय कानून लाया जाए, केंद्र और राज्य सरकारें विशेष अभियान चलाकर बैकलॉग सहित सभी नियुक्तियों को भरा जाए, वनाधिकार कानून के तहत सभी दावों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए, लघु वनोपन की MSP निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू की जाए, पर्यावरण आकलन प्रभाव रिपोर्ट को रद्द करने के लिए जो किया गया है वो प्राकृतिक संसाधनों को इजारेदारों को देने के लिए किया गया, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप कर जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि तुरंत प्रभाव से इसमें संशोधन कर आदिवासी समाज का उत्थान के लिए कार्य किया जाए। आदिवासी अधिकार एक मंच का प्रांतीय सदस्य, मेरे साथ में दिलीप भाई महिला समिति के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष गोरूलाल इस संस्था के और पूरा ही मेरे आदिवासी भाई, आज राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत पूरे राष्ट्र में आदिवासी प्रोग्राम आदिवासी मांगों को पूरे राष्ट्र में उठाया जा रहा है और पूरे राष्ट्र में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेज दिया है। इस ज्ञापन में खास